सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग के एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आज के ट्रेड के बारे में। तो गाइस, आज हमने बैंक निफ्टी में नहीं तो बल्कि निफ्टी 50 में एक ट्रेड लिया था, और ट्रेड लेने से पहले ही हमने डिसाइड किया था कि इस ट्रेड में हमें स्कैल्पिंग करना है। बट होता क्या है, मार्केट हमें लेवल देता है, हम एंट्री बनाते, और एंट्री बनाते ही गाइस मार्केट में वॉल्यूम डाउन होता है, जिसके चलते गाइस हमें इस ट्रेड को लगभग 10 से 12 मिनट होल्ड करना पड़ता है। बट फिर भी एट द एंड इस ट्रेड में हमने प्रॉफिट बुक किया। अब कितना प्रॉफिट बुक किया है, मार्केट ने कौन सा लेवल दिया था, इस ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, सभी कुछ आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो एंड तक वीडियो में जरूर से बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर निफ्टी 50 का कैंडलस्टिक ग्राफ पैटर्न मैंने ओपन किया है। अब यहां पर आप देख सकते हो नीचे से जो ट्रेड लाइन आ रही थी ब्लू, यहां पर मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। ऊपर की ओर से भी आप देख सकते हो एक छोटी सी ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट नीचे ही आ रहा है। अब हमें क्या करना है, एक लेवल ड्रॉ करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ने एक छोटा सा एम पैटर्न बनाया, मार्केट ने यहां पर इस लेवल को ब्रेक किया, फिर उसके बाद नीचे आता है मार्केट, फिर से ऊपर जाता है। बट गाइस ऊपर यहां पर ये ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, वहां से फिर से गाइस यहां पर ये नीचे आता है, और आप देख सकते हो एक नॉर्मल एम पैटर्न मार्केट में फॉर्म होता है। अगर इस एम पैटर्न के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, यानी कि रेड कैंडल फॉर्म होती है अच्छे फ्लो के साथ, तो यहां पर हम तुरंत ही एंट्री बनाएंगे, ये हमारा लॉजिक है। और यहां से मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो अच्छा खासा नीचे भी जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट बहुत नीचे, लगभग 100-120 पॉइंट नीचे सपोर्ट। तो वहां पर हमें क्या करना है, मार्केट का टारगेट रखना है। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो मार्केट धीरे धीरे करके हमारे लेवल के क्लोज आ रहा है, तो इसको क्लोज आने देना है, ब्रेक करने देना है। और जैसे ही फर्स्ट टाइम ये लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, और सेकेंड टाइम ब्रेक करता है, तब गाइस हमें डबल कंफर्मेशन के साथ इसमें एंट्री बनानी है। तो इस तरीके से आप डबल कंफर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना चाहते हो, तो अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप टीसीएस को चेक कर सकते हो, रिलायंस को चेक कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो टीसीएस में भी अच्छी खासी हमें डाउनसाइड की रैली देखने को मिल रही है, इसका स्टॉक गिर रहा है। वही बात की जाए रिलायंस की, तो यहां पर आप देख सकते हो रिलायंस से भी हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि डाउनसाइड की यहां पर रैली स्टार्ट हो सकती है अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तब तक लेवल ड्रॉ कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, मार्केट किस तरीके से, वॉल्यूम किस तरीके से, और किस तरीके से स्टॉक उसको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस है स्टॉक में, वो आपको सभी कुछ चेक करना है। तो जिस तरीके से हमने एनालिसिस की है, यहां पर गाइस मार्केट को परफेक्ट लेवल है। जैसे ही यहां पर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, तुरंत ही हम इसमें एंट्री बनाएंगे डबल ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ। और इस ट्रेड में गाइस हमें केवल स्कैल्पिंग करना है, बट आपको पता है स्कैल्पिंग भी मैं परफेक्ट ट्रेड का सेटअप बनने के बाद ही करता हूं, क्योंकि गाइस भले ही हमें यहां पर परफेक्ट ट्रेड ना मिले, टारगेट ना मिले, बट उस परफेक्ट सेटअप में गाइस हमें स्कैल्पिंग तो मिल ही जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहां पर हमारा ये लेवल है, एसएल हमारा 20 पॉइंट का रहेगा। जैसे ही ये ब्रेक करता है, तुरंत ही हम एंट्री बनाएंगे। तो ट्रेड लेने से पहले गाइस मैंने आपको ओवरऑल लॉजिक बता दिया, ऐसे नहीं कि ट्रेड लेने के बाद मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। तो चलिए फिर देखते हैं आज हमारा लॉजिक प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाता है या फिर नहीं, और इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है या फिर हमें एसएल मिलता है। तो सिंपल हमें क्या करना है, लेवल का वेट करना है, सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया है। और मुझे लग रहा है कि इसी कैंडल में गाइस ये लेवल ब्रेक कर सकता है, बट फ्लो में एंट्री नहीं बनानी है, तुरंत ही सिंपल आपको क्या करना है, इसको क्रॉस करने देना है, और अगर आपको वॉल्यूम अच्छा मिलता है तब आप इसमें फ्लो में एंट्री बना सकते हो। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहां पर प्रॉपर सेटअप बना लेते हैं। आप देख सकते हो 23,400 का पुट मैंने सेलेक्ट किया है, सामने गाइस लैपटॉप की स्क्रीन है, उसमें मैं चार्ट देख रहा हूं, और यहां पर आप देख सकते हो जैसे ही हम पुट बाय करने के लिए आते, तुरंत ही गाइस मार्केट में रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होती है। जो रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही थी ना, वो गाइस अभी फिलहाल ग्रीन कैंडल बन रही है। तो अभी फिलहाल गाइस हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही एक बार तो इसने ब्रेक कर लिया है, जैसे ही सेकेंड टाइम इसको ये लेवल को ब्रेक करता है, तुरंत ही हम एंट्री बनाएंगे 6 लॉट से। और आपको प्रीमियम को देखकर एंट्री नहीं बनानी है, आपको चार्ट को देखकर एंट्री बनानी है। प्रीमियम को देखकर एंट्री बनाओगे तो एसएल जल्द से जल्द हिट होने के चांसेस होते हैं। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो मार्केट लेवल पर आ चुका था, मैंने गई 6 लॉट बाय कर लिए, बाय ऑर्डर कंप्लीटेड लिखा आ चुका है। और बाय करते ही नीचे आप देख सकते हो लगभग गई 400-500 रुपीस का यहां पर मुझे लॉस देखने को मिल रहा है। अब हमने कितने लॉट से एंट्री बनाई है, तो लगभग 6 लॉट से हमने एंट्री बनाई है। अब इसमें गई अगर मैं प्रॉपर ट्रेड करता तो कम से कम, यानी कि मेरा टारगेट होता गई 6,000 प्रॉफिट का, बट इसमें गई हमें स्कैल्पिंग करना है तो हमारा टारगेट है 3,000 का। जैसे गई 3,000 के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है, तुरंत ही गाइस यहां पर हम इस ट्रेड को एग्जिट करेंगे, 3,500 का प्रॉफिट लेके यहां से हम बाहर होंगे। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो जैसे हमने एंट्री बनाई है, 500-600 रुपीस का यहां पर मुझे लॉस देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे गाइस आप देख सकते हो कैंडल नीचे की ओर सस्टेन कर रही है, तो यहां पर 100-200-300 का यहां पर मुझे प्रॉफिट भी देखने को मिला। तो वेट करना है प्रॉपर तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एसएल आपने सेट किया है ट्रेड लेने से पहले, उसके आपने ऑलवेज रिस्पेक्ट करना है। जैसे ही गाइस मार्केट आपके एसएल के एक टिक भी ऊपर नीचे सस्टेन
सस्टेन करता है और कैंडल क्लोज होती है, तो कैंडल क्लोज होते ही गाइस आपने क्या करना है, ट्रेड को एग्जिट करना है। इसका बेनिफिट क्या है, तो गाइस इससे आप बड़े बड़े लॉसेस से, जो आप 500 का लॉस को 1000 में कन्वर्ट करते हो, 1000 के लॉस को 2000 में कन्वर्ट करते हो, उससे गाइस आप बच पाओगे। और फिर चाहो गाइस आप क्या करो, नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री बनाओ और फिर उसमें गाइस आप और 500 का एसएल आपका क्यों ना हिट हो जाए, बट गाइस आप दो ट्रेड का आपको चांस मिलता है, तो इसमें गाइस आपके प्रॉफिट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एसएल आपने जरूर से सेट करना है। तो अब यहां पर गाइस आप देख सकते हो जिस लेवल पर हमने एंट्री बनाई थी, मार्केट अभी फिलहाल एग्जैक्ट उसी लेवल पर है, बट आप नीचे पोजीशन देख सकते हो, फिर भी हमें 400-450 का लॉस देखने को मिल रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, होल्ड करेंगे परफेक्ट इसको। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये अगर फ्लो में नीचे आती ना, तो तुरंत ही गाइस यहां पर हमें टारगेट भी मिल सकता है, क्योंकि यहां पर ये एक सपोर्ट का लेवल है, इसको इसने ब्रेक किया है बट वॉल्यूम डाउन हो चुका है मार्केट में, इसी वजह से गाइस मूवमेंट नहीं है, बट आप देख सकते हो फिर भी ये नीचे सस्टेन कर रही है और लगभग 1100 यहां पर प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। फिर से आप देख सकते हो इसमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हो 1100 का मैक्स हमें प्रॉफिट देखने को मिला, वो अभी फिलहाल यहां पर 800-900 का देखने को मिल रहा है। बट चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ देर के लिए हम इसको प्रॉपर होल्ड करते हैं। एक कंफर्मेशन तो यहां पर हमें मिल रही है, जो लेवल हमने ड्रॉ किया था, जहां से हमने एंट्री बनाई थी, वहां से गाइस लगभग मार्केट 10 पॉइंट हमारे साइड है, यानी कि हम सेफ साइड है। अब यहां से एसएल काउंट किया जाए तो 30 पॉइंट हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, एसएल ट्रेलिंग कर सकते हो। जहां पर आपने एंट्री बनाई है वहां पर मार्केट फिर से आ जाता है, तो तुरंत ही आपने क्या करना है, एग्जिट करना है, एसएल का वेट नहीं करना है। फिर गाइस यहां पर मार्केट और नीचे जाता है, तो और आपने 10 पॉइंट का यहां पर प्रॉफिट लेना है, ट्रेल करना है। इस तरीके से गाइस यहां पर आप क्या कर सकते हो, एसएल ट्रेल करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, परफेक्ट ट्रेड में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बट हमें परफेक्ट ट्रेड नहीं करना है, स्कैल्प करना है। हम क्या करेंगे, मार्केट का बिहेवियर देखकर जो कुछ भी प्रॉफिट हो उसे लेकर ट्रेड को एग्जिट करेंगे। इसे गाइस यहां पर हम लंबा होल्ड नहीं करेंगे, और अगर गाइस मार्केट यहां पर बाय चांस साइडवेज हो जाता है या फिर वॉल्यूम डाउन हो जाता है, तो फिर हमें इसको होल्ड करना ही पड़ेगा। बट इसमें गाइस टाइम डिके लगता है, जो गाइस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से गाइस मैं स्कैल्पिंग करना पसंद करता हूं। 1-2 मिनट के अंदर गाइस आपको जो कुछ भी 2500-3000-5000 का प्रॉफिट लेना है और भाई मार्केट को क्लोज करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहां पर कैंडल जो है रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग की है, और नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो यहां पर ये ग्रीन ऊपर की ओर थोड़ी सी टिक सस्टेन कर रही है, जिसके चलते अभी फिलहाल आप देख सकते हो लगभग 700-800-900 का यहां पर मुझे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट गाइस अगर यही कैंडल इसी फ्लो में प्रीवियस कैंडल इतनी भी डाउन आती है ना, तो गाइस इसी कैंडल में हमें हमारा टारगेट भी मिल जाएगा और तुरंत ही गाइस यहां पर हम एग्जिट भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो पोजीशन पर मैं आ चुका हूं, लगभग गाइस उसी फ्लो में मार्केट है, और आप देख सकते हो यहां पर कैंडल ऊपर निकल रही है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, और आप देख सकते हो जो यहां पर 1000-1200-1500 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, वो लगभग गाइस कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, यानी कि जहां पर हमने एंट्री बनाई थी लगभग गाइस मार्केट वहीं पर आ चुका है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको हमें होल्ड करना ही पड़ेगा, तो कुछ 5-10 मिनट के लिए इसको होल्ड करते और देखते हैं गाइस आखिर यहां पर हमें फाइनल स्ट्रेट में एसएल मिलता है या फिर टारगेट मिलता है। तो चलिए कुछ देर के लिए इसको फाइनली हम होल्ड ही कर लेते, फिर आगे मैं आपको बताता हूं। सो फाइनली गाइस आप देख सकते हो प्रॉपर 10 मिनट पहले हमने स्ट्रेट में एंट्री बनाई थी, यानी कि 10 मिनट से हमने स्ट्रेट को होल्ड कर रखा है, और अभी फिलहाल आप पोजीशन देख सकते हो लगभग गाइस 1400-1500-1700 रुपीस का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए गाइस अब क्या करते हैं, फटाफट से जैसे ये 2000 क्रॉस करता है बुक करने की कोशिश करते, क्योंकि वॉल्यूम मार्केट में डाउन है और यही मोमेंट है मेरे हिसाब से बुक करने के लिए। तो चलिए फटाफट से यहां पर मैं अब सेल के ऊपर क्लिक करता हूं, वेट नहीं करेंगे, सेल ऑर्डर कंप्लीटेड लिखा आ चुका है। अब चलिए यहां पर डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और देखते गाइस यहां पर हमने फाइनली कितना प्रॉफिट बुक किया है। तो आप देख सकते हो यहां पर लगभग 11 मिनट हो चुके इस ट्रेड को हमने होल्ड कर रखा था, और 1867 रुपीज का गाइस यहां पर हमने आज प्रॉफिट बुक किया है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट ट्रेड है, और मॉर्निंग में भी गाइस यहां पर एक सेटअप बन रहा था, बट थोड़ा सा मैं बाहर था, इस वजह से गाइस मैं ट्रेड नहीं ले पाया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1800 की स्कैल्पिंग यहां पर हमारी हो चुकी है, और यहां पर गाइस आप पॉइंट्स भी चेक कर सकते हो, केवल गाइस 18 पॉइंट्स आज हमने मार्केट से कैप्चर किए, और इन 18 पॉइंट में गाइस लगभग 1800 रुपीज से भी ज्यादा का प्रॉफिट आज हमने बुक किया है। वही बात की जाए एसएल की, तो ऊपर आप देख सकते हो हार्डली गाइस 1-2 पॉइंट मार्केट हमारे अपोज गया होगा। इसके अलावा गाइस मार्केट मैंने आपको जो लेवल बताया था उसी लेवल को मार्केट ब्रेक करता है और उसके नीचे ही सस्टेन करता है। अब यहां पर हमने एग्जिट क्यों किया, क्योंकि गाइस आप देख सकते हो प्रीवियस तीनों भी कैंडल में यहां पर नीचे से रिजेक्शन था, बीच में एक ग्रीन कैंडल बनती है, और यहां से गाइस मार्केट बाउंस बैक भी कर सकता है, तो हमें रिस्क नहीं चाहिए। भले ही गाइस 1800 रुपीज का प्रॉफिट हो, बट गाइस प्रॉफिट होना जरूरी है, प्रॉफिट को लॉस में आपको कन्वर्ट नहीं करना है, या फिर गाइस एसएल आने से पहले ही आपने डिसाइड करना है आपको पोजीशन को कब छोड़ना है, कब आपको नहीं छोड़ना है। बाकी अगर आप परफेक्ट ट्रेड लेना चाहते हो तब आपको होल्ड करना है, भले ही गाइस एसएल तक मार्केट एक दो टिक सस्टेन करे या फिर कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती एसएल के पास, तब
तक आपने वेट करना है। बट अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तब गाइस आपने जितने भी पॉइंट मिले मार्केट से उतने गाइस आपने जल्द से जल्द मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करना है, जिससे गाइस आपका प्रॉफिट हो। बाकी लॉजिक वगैरह गाइस मैंने आपको सभी कुछ पहले ही बताया था। छोटा सा मुझे एम पैटर्न मार्केट में देखने को मिल रहा था और यहां पर हमने लेवल ड्रॉ किया। इसके अलावा गाइस मैंने आपको रिलायंस और टीसीएस के स्टॉक भी बताए थे कि किस तरीके से इन दोनों भी स्टॉक में हमें डाउनसाइड का फ्लो देखने को मिल रहा है। अगर ये फ्लो इसी वॉल्यूम के साथ कंटिन्यू करता है तो हमें मार्केट में अच्छी खासी डाउनसाइड की रैली भी देखने को मिल सकती। तो यही हमारा लॉजिक था, यही हमारी कंफर्मेशन थी, जिसके चलते गाइस यहां पर हमने एंट्री बनाई थी। लेवल भी मैंने आपको बताया था। बाकी आप देख सकते हो पोजीशन यहां पर 126 के प्राइस पर हमने एंट्री बनाई थी और 138 यानी कि लगभग 139 के प्राइस पर इसको हमने सेल किया, जिसके चलते गाइस यहां पर लगभग 11 मिनट में इस ट्रेड में 1866 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक मुझे बहुत 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 मोटिवेट करता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।